धमाकेदार जीत के साथ टॉप पर पहुंचे राजस्थान के रजवाड़े, आरसीबी की हार से हुआ केकेआर को भारी नुकसान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। आईपीएल 2024 के 19वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से पटकनी दी। राजस्थान की ये चौथे मैच में लगातार चौथी जीत है। टीम की ओर से जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। आरसीबी पर मिली जीत के साथ ही राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। विराट कोहली ने 7वें ओवर में रचा इतिहास। आईपीएल में ये कारनामा करने वाले बने पहले बल्लेबाज, कोई आसपास भी नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पारी के 7वें ओवर में इतिहास रच दिया। विराट कोहली आईपीएल में 75 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज के आसपास कोई नहीं है। कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का 8वां शतक भी जमाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इतिहास रच दिया। विराट कोहली आईपीएल में 7500 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने। कोहली ने जयपुर में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विराट कोहली को 7500 रन पूरे करने के लिए 34 रन की दरकार थी। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन द्वारा डाले गए आरसीबी की पारी के 7वें ओवर में चौथी गेंद पर सिंगल लेकर इस उपलब्धि को हासिल किया। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली के आसपास भी कोई नहीं है। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शिखर धवन दूसरे नंबर पर हैं, जिनके 67-55 रन हैं। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर डेविड वार्नर के 65-45 और मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के 6280 क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना 5528 रन के साथ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 5वें स्थान पर हैं। आईपीएल 2024 के 19वें मैच में सीजन का पहला शतक लगा और वो विराट कोहली के बल्ले से निकला। कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 67 गेंदों में सैकड़ा पूरा किया। वैसे कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 8वां शतक पूरा किया। गौरतलब है कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोहली ने 67 गेंदों में शतक पूरा किया और उनका स्ट्राइक रेट करीब 156 का रहा। इसके बावजूद उनकी आलोचना हो रही है, क्योंकि T20 क्रिकेट का स्वभाव बदल रहा है। देखना होगा कि कोहली के लिए ये पारी कितनी कारगर साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।